कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, जय हिंद। बोलिए जी। बहुत बढ़िया आपका चैनल चल रहा है और मैं बहुत खुश होता हूँ आपका देख के। और ये जो आपका यह है आज मोदी जी का, हाँ, ये लोग जो पुराने बैठे हुए ना, वैसे तो हिंदू संस्कृति में यही था कि जब आदमी बुजुर्ग होता था तो अपने बच्चों को छोटों को आगे प्रोत्साहित करता था, राज बांट देके पान पस चला जाता था। हाँ। लेकिन ये लोग इतने पर्सनल इंटरेस्ट में घुस गए हैं कि कहीं की तरह कोप में बैठ गए हैं, कोई मंदिरा की तरह सामने खड़ी हुई है सुषमा स्वराज, छोर में जा रही है। अरे यार, मोदी जी के पीछे आओ, लोग उनको उनकी पॉलिसीज को, उनके सिस्टम को वो लोग देखना चाहते हैं। और ये जो लोग कह रहे हैं ना कि आपने दिखाया था बंदर कहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस वालों के कि रावण का नाश शूर्पनखा ने किया था, और एक शूर्पनखा तुम्हारे पास ही है, बड़ी मोटी बाहर से लेके आई हुई जिसको तुम, और बेड़ा घर को तुम्हारे इस तरह से कुछ कहने की बात नहीं है। और मोदी जी को सपोर्ट करनी चाहिए, हर आदमी को, बीजेपी को भी, बूढ़े बूढ़े नेताओं को चाहिए कि पीछे आ जाए, आराम से उसको सपोर्ट करें, उनको गाइड करें, सारा देश उनके साथ है, मोदी जी के साथ। धन्यवाद। अगले कॉलर जहीन। मैं सर ये बोल रहा हूँ, हाँ, क्या लाल कृष्ण आडवाणी जी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया जाता है और मोदी जी को बनाया जाता है? क्या आप भारत को एक परमाणु बम की तरह उड़वा लेना चाहते हैं? हाँ, क्या आप आडवाणी जी को प्रधानमंत्री नहीं बना के मोदी जी को बना रहे हैं, तो क्या परमाणु बम की तरह उड़वा देना चाहते हैं भारत को? धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हाँ सर, मैं डीडी शर्मा बोल रहा हूँ, नमस्कार, मैं नॉर्वे से हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि यूपीए सरकार ने देश को बहुत नीचे ला दिया है और आज अगर नरेंद्र मोदी इस बार नहीं आते हैं तो और भी पीछे चला जाएगा देश। आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ यहाँ पे नॉर्वे में। नॉर्वे में हैं आप जी, और भारत में कहाँ से हैं आप? सर मैं दिल्ली से हूँ, इंडिया से, और करीब 7 साल से नॉर्वे में रह रहा हूँ और मैं सोचता हूँ कि यूपीए सरकार ने देश को बहुत ही नीचे ला दिया है और अगर अब इस बार नहीं आए तो, इस बार अगर नरेंद्र मोदी सरकार में नहीं आते हैं तो 50 साल पीछे और चला जाएगा और देश के सभी साधु संन्यासियों का। जी सर, धन्यवाद। नॉर्वे, जहां पर उसके बाद वे नहीं है, नॉर्वे दुनिया का सबसे ऊपर की दिशा में, जिसके बाद फिर बर्फ वाला क्षेत्र शुरू हो जाता है, वैसे भी भाजपा के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, नॉर्वे है उनके लिए मोदी। लेकिन मोदी को भी नो वे देने के लिए कई लोग आड़े आ रहे हैं। अगले कॉलर, हम आपको उपाय दिखा लेते हैं कॉलर के पहले कि उपाय क्या हो सकते हैं। देखें, भाजपा अपने सर्वमान्य नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़े, जिस तरह से भाजपा में अंदरूनी कलह दिखाई दे रही है उससे तो सर्वमान्य नेता का चुनाव मुश्किल लग रहा है। लेकिन भाजपा को चाहिए कि उसके नेता अपने गिले शिकवे को दूर करके एक साथ खड़े हों। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को पहचाना जाए, ऐसा लग रहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। अगर भाजपा नेता मोदी की लोकप्रियता को नहीं समझ पाए तो भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। भाजपा नेता तथा कथित सेकुलरिस्टों के आगे ना झुके। देश के कई नेता जो अपने आप को धर्म निरपेक्ष मानते हैं, वो मोदी का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि गुजरात में दंगे हुए। लेकिन दंगों के बाद गुजरात में विकास और भाईचारे की जो हवा चली है वो आज सबके सामने है। वैसे भी ये नेता ऐसी बातों से मोदी को कभी भी नहीं हरा पाए, इसीलिए भाजपा नेतृत्व इनके आगे ना झुके। आडवाणी आगे आकर मोदी का समर्थन करें। आडवाणी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें आगे आकर भाजपा को नई राह दिखानी चाहिए। भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता आडवाणी की इस पहल का स्वागत करेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं की राय सुनी जाए। भाजपा कार्यकर्ताओं में आज नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। कुछ दिन पहले तक भाजपा कार्यकर्ता मायूस थे, लेकिन अब वो सभी नई ऊर्जा के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उनकी राय जानना कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सर, प्रतापगढ़ से बीजेपी की बात से बोल रहा हूँ। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, हेलो, बोलते रहिए जी, हम समस्त देखने वालों से कहना चाहते हैं कि वो आपको, मतलब आपका चैनल इतना बढ़िया क्या कहें, और सुरेश जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो मतलब इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं। जहाँ तक ये नरेंद्र मोदी की बात है तो बीजेपी में सबसे पहले पीएम और सीएम के पद की लड़ाई होने लगती है। यही हाल यूपी में और कर्नाटक में रहा कि लोग पीएम सीएम के चक्कर में मंत्री पद भी नहीं नसीब हुआ। सर हम
धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ नमस्ते सुरेश जी। हाँ मैं मिलिंद महाजन बोल रहा हूँ इंडोनेशिया से। बोलिए। मेरा कहना है आज की तारीख में नरेंद्र मोदी एक एकमात्र ऐसा नेता है अपने देश में जो समाज के सभी स्तरीय लोगों में अधिकतम लोकप्रिय है। साथ साथ में उन्होंने अपने 10-12 साल में जो गुजरात में विकास और शांति की स्थापना की है जो अपने आप में एक मिसाल है और जिसके अनुभव से सभी लोगों को ये अनुभूति हो रही है। सभी भारतीय वासियों को ये आशा की है कि आज में ऐसा एक मजबूत और सच्चा नेता हमारे सामने है और ये अनायास ही हमारे साथ में एक 2014 के जो चुनाव आने वाले हैं जिससे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिससे हम एक ऐसे नेता पर चुनाव कर सके। अब ऐसी परिस्थितियों में यदि भाजपा आडवाणी जी का उनके अनुभव का और उनके उन्होंने जो योगदान किया है पार्टी का इसके लिए का चुनाव के न करे उनको फायदा न उठाए तो ये न सिर्फ मोदी के लिए बल्कि भाजपा की पार्टी के भी साथ साथ में बड़े मायने में देश के लिए भी एक बड़ा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और से हम जो भविष्य में एक सफल और विस्तृत और एक संघ भारत की जो कामना कर सकते हैं पूरे विश्व में स्थापित करने के लिए उसे हम मुखर जाएंगे और इसलिए और मेरे जैसे करोड़ों भारतीय लोगों की ये इच्छा है कि ये मौके का फायदा उठाकर अपने देश को मजबूत तौर पे आगे लाने के लिए नरेंद्र मोदी जैसा कोई दूसरा नेता आज अपने देश में नहीं है। सर मैं यही कहना चाहता हूँ आप इंडोनेशिया में क्या करते हैं? गांधी है भाजपा के लिए वो असामान्य है लेकिन अभी उनकी ये बढ़ाई होगी कि वो सामने आके और अपना आशीर्वाद दे नरेंद्र मोदी जैसे लोकप्रिय और एवं काबिल नेता के लिए। चलिए धन्यवाद धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए जी। धर्मेश शर्मा बोल रहा हूँ कोई सर से। बोलिए बोलिए। आप टीवी पर कनेक्ट किया गया। हेलो। हाँ बोलिए आप। हाँ धर्मेश शर्मा बोल रहा हूँ कोई सर से। बोलिए क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि जैसे ये कांग्रेस है ये देश को जैसे बैठा बैठा रही है आज ये घपले घोटाले हो रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी को नहीं लेके आए तो ये देश और पीछे चला जाएगा। जैसे मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ मतलब तो एक परिवारवाद की जो राजनीति है ये इससे दूर हटेगी। बीजेपी वाले खुद सांकेत रहे मोदी जी की अडवाणी जी पीएम बनना चाह रहे हैं। बिल्कुल धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हमारे ऐसे नेता है जो युवाओं में एक प्रकार से शक्ति उत्पन्न करना चाह रहे हैं शक्ति पैदा करना चाह रहे हैं और संचार कर रहे हैं शक्ति का और ऐसा पे कोई नेता नहीं आया जिन्होंने शक्ति का संचार किया। हम तो यही भूल गए कि हम देशभक्त है या नहीं है क्योंकि इन्होंने इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है इस समय यही नहीं पता भारत फैला रहा है हम देशभक्त है या नहीं है। बिल्कुल धन्यवाद। आज हमने आपके सामने मुद्दा लाया। मुद्दा लाने का स्वाभाविक उद्देश्य है कि देश की अभिव्यक्ति लोगों के सामने जाए। हम चाहते हैं कि देश बोले क्योंकि हमारे ज्यादातर दुखों का कारण समस्याओं का कारण हम नहीं बोलते चुप बैठते हैं। ये है जब बहुत ही ऐतिहासिक मौका आता है तब तो बिल्कुल नहीं चुकना चाहिए क्योंकि ऐतिहासिक जो गलती होती है ऐसे गलती को कभी माफी नहीं मिलती। देश को बहुत सालों बाद ऐसा कोई नेता मिल रहा है जिसके लिए पार्टी लाइन से ऊपर उठकर लोग समर्थन देने को तैयार है। जाति धर्म भाषा प्रांत कुछ नहीं है। आज आपने देखा कि जिस मुस्लिम समाज के विरोध का नाम लेकर लोग मोदी को विरोध करते हैं उनके ही कॉलर आज सबसे ज्यादा थे और गुजरात से सबसे ज्यादा थे। और दूसरी भी विशेष बात थी कि इंडोनेशिया से लेकर नॉर्वे तक के लोग जहां पर इस समय में कितने बजे होंगे आप समझ रहे होंगे वो भी रात में इस कार्यक्रम को देख के कॉल कर रहे हैं अपनी बात को रख रहे हैं। मैं फिर कहता हूं कि ऐतिहासिक मौकों पर हुई गलती कभी भी माफ नहीं हो सकती। इस समय देश में जब चेतना की जरूरत है किसी आदर्श की जरूरत है जब लोगों में उत्साह भरने की जरूरत है आशावाद दिखाने की जरूरत है तब किसी भी राजनीतिक दल के पास कोई नेता नहीं है। ऐसे में मोदी का नाम अगर आगे आया है रामदेव बाबा जैसे लोग सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग तमाम देशभक्त साधु संतों ने राष्ट्रवादी विचारों के लोगों ने अगर मोदी को समर्थन किया है तो भाजपा खुद उसको देरी कर अपने पैर पर कुराड़ ही मार रही है। हम आशा करते हैं कि बीजेपी के तमाम जो भी जिनके मन में स्वार्थ है वो दूर हो
जिनका समर्थन है वो खुलकर पूरे ताकत से आ गया है, और इस विषय पर राजनीति करने वाले लोगों को आप अपने तरीके से कुछ समझ दे सके। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।